सोनीपत में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। झड़प इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सोनीपत में स्कूटी खड़ी करने को लेकर दो पक्षों में बहस हो गई। ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर हमला करने लगे। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सोनीपत के नंदवानी नगर में हुई झड़प की है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे पर लात घूंसों से हमला कर रहे हैं। इस झड़प में दोनों पक्षों के चार लोग घायल हो गए, जिसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। वह इस मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई। सिविल लाइन पुलिस थाना में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल कुमार ने इस मामले की पुष्टि की है। ये घर में घुस के नहीं, ये गली में हुआ, गांव में सामने मकान है और ये स्कूटी खड़ी करने पे हुआ है। झगड़ा दो तीन चार दिन के खड़े थे अपने सचदेवा जी और राकेश सचदेवा जी, वो बोले कि आपस में क्यों गाड़ी को लेकर हो आप, तो उन्होंने कहा इस बात पर मुझे लड़ाई झगड़ा हो। वही इस मामले में हेड कांस्टेबल ने FIR दर्ज करने की बात कही है। हाँ, CCTV उनकी उनके दोनों के कैमरे लगे हैं, उनके आमने सामने है, तो उनके घर में जो यही दी है कि हमारा सिक्योरिटी के लिए जाकर हमने उनको बोला तो मामला दर्ज कर दिया। फिलहाल मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिरकार कसूर किसका था।